के पास उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहने, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जहां ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। पूरे मैदान में हमें यहां से सरों पे लाल ही लाल टोपी दिखाई दे रही है। मैं रथ के आगे देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं, पीछे से लेकर के बाईं तरफ अभी भी लोग चले आ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। साथ ही साथ आज जब हम और आप लोग मिल रहे हैं और जब आप और हम लोग आज इस मैदान में मिल रहे हैं, तो नया साल शुरू हो गया है। इस नए साल की भी आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नए साल पे हमको और समाजवादियों को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर के समाजवादी सरकार दोबारा बनेगी। ये नया साल जरूर आया है, लेकिन यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का व्यापारी अपने वोट से उत्तर प्रदेश में बदलाव लाके रहेगा। और बदलाव इसलिए जरूरी है कि पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल में यहाँ का किसान दुखी हो गया। हमारा किसान गरीब महंगाई से परेशान होकर के महंगाई का संकट आया हमारे ऊपर और महंगाई के कारण आज गरीबी बढ़ गई। और याद रखना, जिस समय आपके हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे और कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी होगी, तो आप कभी भी खुशहाली की कल्पना नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की ने, इस सरकार ने हम सबकी और खासकर किसानों की, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की कमाई आधी कर दी और महंगाई आसमान छूते जा रही है। बताओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हमारी माताओं बहने बताओ कहाँ गैस का सिलेंडर भरा पा रही है? डीजल मिलना हो गया, पेट्रोल 100 के करीब हो गया कि नहीं हो गया? और हमारे किसान यहाँ मौजूद होंगे, किसानों को खाद नहीं मिल पाई इस सरकार में, और अगर खाद की बोरी घर पर लेके आए तो पहले तो खाद नहीं मिली, और अगर खाद मिल गई तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है नए साल पे अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए घरेलू बिजली पर 300 यूनिट माफ करने का काम समाजवादी ने किया। और साथ ही साथ अपने किसानों का पूरा सिंचाई पहले की तरह मुक्त होगी, कोई सिंचाई के लिए पैसा नहीं दे पाएगा। और जब 300 यूनिट बिजली की गरीबों के लिए आपके लिए माफ कर दी, तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें। वो कहते हैं कि बिजली के कारखाने नहीं बनाए समाजवादियों ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 तक जितने समाजवादियों ने कारखाने बनाए हैं, और अगर वो कारखाने आज बंद करके तैयार हो गए होते तो आज बिजली भी सस्ती होती, घरेलू हमारे गृहस्थी चलाने वाले लोगों के लिए बिजली और सस्ती होती। लेकिन ये सरकार नहीं कर पाई, न बिजली के कारखाने बना पाई और न
बिजली सस्ती कर पा रही, समाजवादी लोग जो बन रहे कारखाने उनको पूरा कर करके बिजली को 300 यूनिट माफ करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर सरकार बहुत शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। अभी आप ही के बगल में लैपटॉप तो नहीं बांट पाए, लेकिन टैबलेट और फोन बांट दिए हैं। बताओ आप में से किसी को टैबलेट और लैपटॉप मिला हो तो बता दें। बताओ यहाँ खड़े गांव से आए लोग हैं, नौजवान हैं। बताओ माता रानी आपके परिवार में किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। नौजवानों आपको लैपटॉप मिला हो तो बताओ। ये बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो खुद जवानों में जानते हैं। और अभी हम लोग स्टेडियम देख करके आए जहां से चल के आ रहे हैं। ये नौजवान तो क्रिकेट खेल लेते हैं, समाजवादी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते, न बैट पकड़ पाते, न बॉलिंग कर पाते, न फील्डिंग कर पाते, न विकेटकीपर बन सकते, न कैच ले सकते हैं। बताओ ये बाउंड्री के बाहर करोगे कि नहीं करोगे? बाउंड्री के बाहर होंगे कि नहीं होंगे? और अभी हमारे अधिवक्ता साथी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अधिवक्ता साथी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा अपराधी और माफिया अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप उठा करके आंकड़े निकाल लो, आंकड़े निकालिए, अखबारों में पढ़िए। आज अगर खुले माफिया कहीं घूम रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी माफिया कब्जे में घूम रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री अभी तक सूची नहीं जारी कर पाए। जो कहते हैं न जाने क्या क्या, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे लगे थे। बताओ किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे लगे होंगे? इतनी धाराएं किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगी हुई हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, इसका नाम बदल दिया, समाजवादियों की नकल की, हवाई अड्डा उतार दिया। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके थे वो 5 साल बाद कर रहे हैं। हमें खुशी है कि दिल्ली वालों ने उन्हें पहले ही पैदल पैदल चला दिया और इस बार हमारी जनता ये पैदल करने का काम करेगी। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और साथ ही साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हमारे सफेद टोपी पहने हमारे लोग हैं। बताओ कितना अपमानित होना पड़ा इस सरकार में आपको, इनकी कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई रोजगार नौकरी बीएड से लेकर के टीटी बीबीएड या अगर रोजगार सेवक या कोई भी मदद कर सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आप लोग हमारी मदद करिए, सरकार बनने पर हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होकर रहेगा और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगी। और अभी तो पहला काम बोला है, अभी तो पहली योजना बताई है कि बिजली माफ करेंगे 300 यूनिट, किसानों को सिंचाई माफ करेंगे। अभी तो पहला कार्यक्रम अनाउंस किया है, अभी तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, अभी वो जारी होना है।
जिस समय वो जारी होगा पूरा मैनिफेस्टो हमारा गरीबों के लिए होगा, हमारे किसानों के लिए होगा, हमारी माताओं बहनों के लिए होगा, हमारे नौजवानों के लिए होगा। आज बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। वो बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते 1 करोड़ रोजगार दिए। इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। बताओ नौजवानों कितनों को नौकरी मिल गई, कितने को रोजगार मिल गया। इससे ज्यादा झूठा बाबा कहीं नहीं मिला होगा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में आज है। कभी कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते हैं 1 करोड़ दी, कभी कह रहे 2 करोड़ दी। और अब कह रहे हैं कि पहले महिलाएं स्त्री सुरक्षित थी, पहले अपराधी और आतंकवादी मुख्यमंत्री आवास में आते थे। हम लोगों ने देखा है 4.5 साल में, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, जिस समय उन्नाव की बेटी को सम्मान दिलाने की बात थी, जिस समय उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बात थी, उस समय अगर कोई अपराधियों की और जिन्होंने घटना की थी कोई मदद कर रहा था तो मुख्यमंत्री खुद मदद कर रहे थे, उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। हमने आपने देखा वो हाथरस का कांड, जहां पर बेटी के परिवार के लोग चिल्लाते रहे, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपनी मांग को लेकर के रोते रहे परिवार के सदस्य। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को भी नहीं सुना और रात में ही दाह संस्कार करा दिया। कौन भूल सकता है हाथरस की बेटी का अपमान, कौन भूल सकता है जो अन्याय हुआ है, नहीं भूल सकते। अगर कोई जिम्मेदार है, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। क्या वो हम लोग भूल जाएंगे, जिस समय दवा की जरूरत थी ये सरकार दवा नहीं दे पाई, जिस समय बिस्तर और अस्पताल की जरूरत थी तो बिस्तर नहीं दे पाई सरकार, जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्य चले गए बिना दवाई के, बिना इलाज के, हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। जिस तरीके से अस्पतालों में आज न दवाई है, न इलाज है, न ऑपरेशन है, न डॉक्टर है, अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ गरीब कहाँ सरकारी इलाज करा पा रहा है, कहाँ दवाई है, कहाँ डॉक्टर है। और जब कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है, गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसी डली थी, कोई किसी ने उनकी सम्मान करने का काम नहीं किया। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए एक नहीं दो नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने 3 शेड लगा करके उसको भी छुपाने का काम किया। ये सरकार प्रचार के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी नाकामी छुपाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार जागरूक जनता, जागरूक हमारे किसान, जागरूक माताएं बहनें इस भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करके इनको ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं देख रहा हूँ मंच पर पूर्व सांसद जी भी खड़ी है, बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नेता है मंच पर, सभी प्रतिष्ठित नेता है, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि मंच बहुत बड़ा है और पूरा मंच भरा है आपका, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो मांग लेकर के आए सफेद टोपी करने हैं, हम लोग आपकी मदद करेंगे, वही सरकार बनने पर, लेकिन सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करो आप लोग। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयंत जी सब्बीर खान साहब, अशोक यादव पुराने अध्यक्ष, आसिफ अली साहब, भारत जी और हमारे विधायक पुष्कर जी, अमरीश पुष्कर, अनिल पासी, अमरपाल जी हमें दिखाई दे रहे हैं, सुशीला सरोज जी का तो मैंने पहले कह दिया, और बड़ी संख्या में
मैं तमाम होर्डिंग बैनर देख रहा हूँ, राम समोज रावत जी का भी होर्डिंग देख रहा हूँ, मैं तमाम अपने होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं लोगों का, मैं एक एक लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरीके से आप लोग आज समर्थन में आए हैं, उसी तरीके से आपको अपने बूथ की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं प्रचार में जहाँ होशियार है, झूठे प्रचार में अपना प्रचार दिखाते हैं। जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखाया, जब फैक्ट्री दिखानी थी तो अमेरिका का फैक्ट्री दिखाई, जब ब्रिज दिखाना था तो बंगाल का ब्रिज दिखाया। ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चुनाव करीब आ गया है, नया साल शुरू हो गया है, इसी 22 में नई सरकार बननी है। इसलिए आपसे हम सबसे अपील करते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, घर जाकर के, गांव जाकर के 5 तारीख के बाद अपना वोट देख करके ये फैसला लेना है कि बूथ पर जीत कैसे हो। आप लोग हमारी मदद करना और अपना अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, यही निवेदन मैं करने आया हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आने वाले समय में जो समाजवादी सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार होगी, वो हमारी माताओं बहनों की सरकार होगी, वो हमारे नौजवानों की सरकार होगी, वो व्यापारियों की सरकार होगी, तमाम बेरोजगार नौजवान जो अपमानित हो रहे हैं उनकी सरकार होगी। और सरकार ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जा करके, तरक्की कर करके आपके जीवन में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक जनसभा के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुझे उम्मीद है कि नौजवानों आप लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके समाजवादी पार्टी